नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगों के स्वागत कर रहा छी अखन बलिराजगढ़ से। अर्थात बलिराजगढ़ मिथिला के ओ ऐतिहासिक किला जे किला में मिथिला के संस्कृति, मिथिला के सभ्यता, नहीं सिर्फ मिथिला के, बिहार से निकल कर, भारत से निकल कर वैश्विक स्तर के सभ्यता जे छै से में छुपायल छै, नुकायल छै, कतौ ने कतौ हेरायल छै। ई तस्वीर अहाँ के नेट पर आम हेतै, जे तस्वीर अखन हम अपने सब देख रहा छी वीडियो के माध्यम से। ईंटा के ई दीवार और ई दीवार के चौड़ाई जे छै से अहाँ देख सकै छी, एकर चौड़ाई कतेक छै, लगभग 20 फीट के आसपास, 18-20 फीट के आसपास एकर चौड़ाई। और हम उम्मीद करै छी जे बलिराजगढ़ के ई दीवार रहल हेतै। बलिराजगढ़ ई किला जे छै पूर्व में एकरा 365 एकड़ के भूभाग और वर्तमान में अतिक्रमण भेला के बाद 122 एकड़। बलिराजगढ़ अहाँ के मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड के भूपति पंचायत के अंतर्गत अबै छै जे, और एकर जे मौजा छै, एकर जे रकबा छै से 5 मौजा में, जेमे खोइर, बलिराजपुर, पचरुखी, रमनी पट्टी और फुलबड़िया अबै छै। ई तस्वीर अहाँ सबके नेट पर अगर बलिराजगढ़ अहाँ खोजबै तो बलिराजगढ़ के ई तस्वीर, ई स्वरूप जे छै से अहाँ के भेटत। और विस्तार से हमरा सब ई के विषय में बलिराजगढ़ के की केना स्थिति रहल हेतै या स्थिति छै या एकरा उत्खनित केला के बाद जे छै से की भ सकै छै, ताहि पर हमरा सब बातचीत करब। एकर जे ईंटा छै, ई थोपुआ ईंटा छै और एहिमे हमरा सब तीन तरहक ईंटा हम सब देखै छियै, जाहिमे तीन तरहक ईंटा लागल छै। और एकर जे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एकर जे किछु ओहिठाम से भेट रहल छै, ताहिमे ई लगै छै जे ई तीन कालखंड में विभक्त हेतै। और ई अहाँ के बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व के ई चीज, राजा बलि के गढ़। और आखिर कोन ईंटा से निर्मित ई किला हेतै, जाहिमे हजारों वर्ष के बाद जे छै से एहिमे नूनी नहीं लागल छै कोनो ईंटा में कतौ, तऽ ई एकर चमत्कार छै एकर बनावट के। और राजीव जी के हम कहबनि कि कने ऊपर आबैत और एहिठाम से देखाबैत जे आखिर कोन तरहक ई किला छै, और फिर हम आगा कोशिश करब हमरा सब जे पर सविस्तार बातचीत करी। और बातचीत केला के बाद एकरा विषय में जे छै से हमरा संगे हमर यदुवीर भारती और डॉक्टर भारती मेहता, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, ओहो हमरा संगे छथि, हुनका किछु काज कयल छनि हुनका। और तकरा बाद हम कोशिश करब जे एहि पर बातचीत करी। एखन देखियौ जे एहि पर ई जे एकर दीवार छै, ताहि पर धान सुखा रहल छै। दू बेर एकर उत्खनन के कार्य सेहो शुरू भेलै, मुदा चाहे ओ प्रशासनिक नहि कहि कऽ राजनीतिक कहि सकै छियै, राजनीतिक विफलता के कारण बलिराजगढ़ जे छै से ओ चीज नहि दऽ सकलै जकरा बलिराजगढ़ के ओ चीज उत्खनन भेला के बाद ओकर सभ्यता संस्कृति जे छै से निकल कऽ सामने आबि सकै छलै। एखन हमरा सब बलिराजगढ़ में छी और बलिराजगढ़ ओ जगह जे अगर एकर उत्खनन कयल जाए, जाहि जगह पर हमरा सब ठाढ़ छी एकरा देखबै कोनो टीला नुमा छै, भवनावशेष एकरा कहि सकै छी, अर्थात जे जमींदोज भेलै, जे ढहि गेलै, ढनमना गेलै, जे एहिठाम जे इमारत तत्काल रहल हेतै ई तकरा सभक अवशेष छै। और यदुवीर भारती छथि, सम्प्रति भूपति जे पंचायत छै, भूपतिसँ ओकर अपभ्रंश भऽ कऽ ओ भूपट्टी भऽ गेलै, उएहमे ई जगह बलिराजगढ़। और एहिठुनका एकटा जनसेवक छथि, एकटा सशक्त हस्ताक्षर, एकटा कला प्रेमी यदुवीर जी। हम चाहब यदुवीर भाई जे, चूँकि अपनासँ पहिलहो सङ्ग छलहुँ हेँ, अयाची डी हमरा सब गेल रही सङ्गे सङ्गे, और चूँकि अहाँ के ई जगह है, अहाँ के डीह डाबर है, अहाँ के घर है, तो बलिराजगढ़ के जे शुरुआत छै, जतऽ सँ राजा बलि जे छै तिनका पर कनेक एक प्रकाश दैत, और एहिठुनका वस्तु स्थिति के बारे में हम किछु जानकारी अहाँ से चाहब। राजा बलि, जहाँ तक हमर बात है, तो राजा बलि विरोचन पुत्र माने पहला पौत्र से हम सब बुझै छियै। हुनकर लगभग साम्राज्य पूरा विश्व में, मतलब पूरा विश्व पर साम्राज्य छलनि, आ पाताल लोक में सेहो साम्राज्य छलनि। तब
हुनका एकटा जगह जगह पर अपन साम्राज्य के कायम करबाक लेल या शासन सुव्यवस्था के लेल जगह जगह हुनका किला बनबय पड़लनि या माने रहे के स्थान बनबय पड़लनि जतय से ओ शासन व्यवस्था के सही से देखरेख कऽ सकै छलखिन। तहि में एकटा भूपट्टी पंचायत में ई किला छल, बहुत पहले से ही किला छल। आ जी जी जे हमरा जन्म से पहले ढई जन्मना गेलै, हमरा पूर्वज सब कहैया जे एहिमे बोन छलै जाहिमे लोक सब घास पात लै अबै छल, बड़का माने कोरोना सबके वृक्ष सब छलै जकर फर सब सँ लोग अचार तचार हाँ बनबै छल, जे हमर सबके दादी नानी सब कहै छल से हम कहै छी अखन। तऽ वएह बात छै जे ओतै सँ हम जानै छी ई अथी के भविष्य में साल में दू बेर तीन बेर घूमे ले सेहो आबि जाइ छी, बार एक बेर दू बेर सरकार तरफ से उत्खनन सेहो भेल, किछु किछु भेटले, ओते जानकारी तो नहि अछि जे की सब भेटले, तऽ लेकिन बस हम कहब जे बलिराजगढ़ पर जे हमर प्राय हम बहुत दिन से बलिराजगढ़ के बात करै छलहुँ और सांस्कृतिक यात्रा जे हमरा सबक मिथिला सांस्कृतिक यात्रा अइ ताहिके तेसर चरण में हमरा सब आयल छी और मधुबनी जिलाक बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत जे छै से बलिराजगढ़ आबै छै और ई हमर अपन व्यक्तिगत मानब अइ, चूँकि हालांकि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर पुरातात्विक कोनो जानकारी हमरा नहि अइ, लेकिन जते मिथिला के हम पढ़लियै जते बलिराजगढ़ के हम जनैत छी, अगर एकर उत्खनन होय एकरा अगर सही से जे छै से एकरा कोड़ल जाय, अगर ASI सही से काज करतै, भारत सरकार के अंतर्गत अबै वाला संस्था ASI और बिहार सरकार अगर एहि पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से अगर दक्षिण बिहार में अगर नालंदा छै तो मिथिला में ई एतेक बड़का जे छै से एहि के अंदर से चीज निकल सकै छै जे वैश्विक स्तर पर हमरा सभक जे अपन डीह डावर अइ ओकर एकटा एतेक बड़का पहचान वैश्विक स्तर पर जेतै और पर्यटन के दृष्टि से चूँकि मिथिला संपूर्ण मिथिला छै पर्यटन के गढ़ छै, मुदा ओहि में ई एकटा एतेक बड़का मिथिला के जे भूत गड़ल छै तकरा निकालि कऽ हमसब भविष्य में समृद्ध मिथिला बनेबाक दिस जे छै से अग्रसरित भऽ सकै छी। ई सब एहन भवनावशेष एहन एहन बहुत रास जगह छै, बहुत रास टीला छै, सैकड़ों एकड़ में जे छै से फैलल ई जगह और एकर जे वास्तविक स्थिति छै सेहो सब हम बतायब, लेकिन चूँकि जतेक देख रहल छी ताहिसँ बहुत बेसी कथित रूपसँ ई कहल जाइ छै जे अतिक्रमित भऽ गेल छै जगह जकर संरक्षण नहि छलै, तऽ एहन एहन टीला एहि बीचमे अहाँके सैकड़ोंके संख्यामे भेटत, कोनो ई एकटा एहन ई भवनावशेष नहि छै, एहन एहन सैकड़ोंके संख्यामे भेटत और जखन एकर देवारके देखबै देवारके चौड़ाइ छै तऽ ओकरा देखलाके बाद अहाँ नालन्दाके जे ओ देवार सब छै तकरा अहाँ अनुमान लगा सकै छी, ओकरासँ एकरा कोरिलेट कऽ सकै छी। एकरा बीचमे एकटा पोखरि छै ताल जकरा झील कहै छियै और बेर बेर जे एहिठाम उत्खननके कार्य होइ छै ताहिमे कतौ नहि कतौ ओकर पानि जे छै से ओ बाधक सेहो बनै छै, तऽ एहिपर हमरा सब बातचीत संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर भारती मेहता सेहो हमरा सङ्गे छथि, तऽ हुनकासँ चूँकि ओ यूनाइटेड नेशन के एकटा टीम के लऽ कऽ एहिठाम 2010 आयल छलीह जखन ओ स्थानीय जिला पार्षद रहथि एहिठामसँ और बहुत रास स्टडी जे छै से हुनकर छनि, किछु ग्रामीण सब सेहो एहिठाम छथि तिनका सबसँ हमरा सब सेहो बात करब। तऽ चली हमसब ओहि झील लग अर्थात ओहि पोखरि लग और देखिए जे पोखरिमे की केना, जेना हमरा पता लागल जे पोखरिके पानि कहियो नहि सुखाइ छै एक बात, और दोसर बात जे कनिकवो एहिठाम खोदल जाइ छै तऽ सीम करै छै पानि अन्दरसँ जे छै से पानि निकलऽ लगै छै, तऽ कतौ ने कतौ उत्खननमे इहो एकटा बाधक बनै छै, अला एहन तरहक बात सेहो सामने एलै। चलिए हमसब देखै छियै पोखरिके। एखन डॉक्टर भारती मेहता हमरा सङ्गे छै, तऽ बलिराजगढ़ पर जे छै से हमरा सब एखन घुमि रहल छी, एहिपर किछु काज कऽ रहल छी। 2010 अहाँ एकटा टीमके लऽ कऽ आयल छलहुँ, अहाँ कल्का इंटरव्यूमे सेहो हमरा सब चर्चा केने रही, तऽ बलिराजगढ़के केना देखै छियै, 2010 जे देख रहल छलियै, 2019 जे देख रहल छियै आओर स्थानीय जगहपर एखन हमरा सब छी, तऽ कोन रूपमे देख रहल छी बलिराजगढ़के? 10 आओर अखनमे जे हम अन्तर पाबि रहल छियै बहुत आंशिक छै, कि जस्ट इंट्री गेट पर किछु वॉल बनलैए सुरक्षाके निमित्त, कि जे पुरावशेष छै ओ कम से कम ओकरा हानि पहुँचै, बट जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है उस हिसाब से मैं नहीं कह सकती कि इसमें मैं कुछ बहुत अंतर पा रही हूँ, क्योंकि उस समय जो यूनाइटेड नेशंस की टीम भी यहाँ आई थी और बहुत बड़ा है भी, लगभग 5 में ये विस्तृत है और इतिहास इसका जितना मुझे ज्ञात है
कि जो यहाँ से जो उत्खनन हुआ, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने पहली बार इसकी चर्चा अपने पुस्तक में 1884 में की थी। उसके बाद सन 1937 में इसको प्रथम बार भारत सरकार ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज राष्ट्रीय संरक्षण दिया इसको अपने पुरातात्विक विभाग के 1937 में, और 64 से 67 के बीच यहाँ प्रथम खुदाई हुई। उन खुदाइयों में जो जब जितना जितनी खुदाइयाँ हुई उनसे जो चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे आप यहाँ जब हम इंट्री करते हैं और जो इसकी सुरक्षात्मक दीवार है तो उसकी जो बेस की चौड़ाई है वो आप देखेंगे कि 8.18 मीटर वो नीचे चौड़ा है, उसके ऊपर वो 3.6 ऊपर तक, मैंने पिरामिड स्टाइल में वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आया है। उसके बाद जो यहाँ उत्खनित जो चीज़ें मिली हैं, जैसे परिमार्जित कृष्ण भांड मिले हैं यहाँ, जो मौर्य काल में पाए जाते थे, और जो उनके कुछ टुकड़े मिले हैं वो उन टुकड़ों में जिन बुरादों का अवशेष मिला है तो वो शो करता है कि मौर्य कालीन है। फिर इसके जो आर्कियोलॉजिकल विभाग ने जो कार्य किए हैं उसके अनुरूप इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ शुंग वंश से भी जुड़े जो सामग्रियाँ, उस समय का जो स्कल्पचर था, जो आर्किटेक्ट था, उनसे जुड़ी चीज़ें भी, चूँकि उत्खनन ही अपूर्ण है, बहुत आंशिक हुआ है, इसलिए मगर जितना हुआ है उसके आधार पर ये तो निश्चित तौर पर सिद्ध होता है कि मिथिला की का इतिहास संभवतः यहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि राजा बलि के यहाँ मान्यता है कि ये राजा बलि का गढ़ था और इसी के नाम पे बलिराजगढ़ इसका नाम पड़ा है। साथ ही आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे, जैसे बगल में भूपट्टी पंचायत के अंदर ये पड़ता है ये, और वो शब्द है भोजपट्टी, वो शब्द है भोज भोजपति, उसका मूल शब्द है भोजपति, जो अपभ्रंशित होते होते संभवतः भूपट्टी हुआ है, भूपट्टी। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के भी 2-3 इम्पॉर्टेंट मंदिर इस पुरातात्विक स्थल के अगल बगल में मौजूद हैं। काली मंदिर है, उसके बाद एक और हिंदू मंदिर है जो फुल ये जस्ट सटे हुए है, तो ये चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि ये और राजा बलि का जो टाइम भी है तो ईसा पूर्व जो है वो माने गए हैं, तो बिफोर क्राइस्ट की चीज़ें हैं। और चूंकि उत्खनन इतना आंशिक हुआ है कि बहुत दावा करना कठिन है, मगर जो मिले हैं यहाँ से वो प्रमाणित करते हैं कि यहाँ शुंग काल के मौर्य काल के जो अवशेष प्राप्त करते मैंने यहाँ जो मिले हैं ये प्रमाणित करते हैं कि बहुत बड़ा राष्ट्रीय धरोहर, ये बिहार का धरोहर इसे ना कहा जाए, और राष्ट्रीय ही नहीं मैं तो मानूंगी कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता, नील घाटी सभ्यता या अन्य मेसोपोटामिया की सभ्यताओं ने बहुत कुछ दिया विश्व को, संभवतः बलिराजगढ़ की अगर समग्रता में खुदाई हो तो विश्व इतिहास में एक नया अध्याय देखने को मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि इत्यादि की अगर हम बात करी तो ओहने तरह किछ चीज जे छै से एठन से भ सकै छै। ई पोखरि जे छै, तालाब जे छै, ई बेर बेर एहिमे का पानि अहाँ कहने रही जे सीम करै छै और कतौ ने कतौ व्यवधान एहन तरह होइ छै, तऽ की ई व्यवधान जे छै जे उत्खनन करै लए आबै छथि हुनका सभक रचल गढ़ल कहानी छै या वास्तवमे ई डिस्टर्ब करै छै? एकटा चीज, चूँकि हम 2006 में ही एहि इलाका से जिलो पार्षद छली तऽ हमरा ओहि समय से अनाइ जेनाइ एतऽ लागल रहलैए, तो जे हमर अपन क्षमता छले कहियो अहाँ सभक सहयोग से, कहियो यूनाइटेड नेशंस टीम सहयोग से, मुख्यमंत्रियों जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एलखिन तो आकर कि शायद हो जाए, मुख्यमंत्री जी किछ शुरुओ करवेलखिन। अइ ताल के बारे में कहब कि जे मान्यता छे अत कुदाल सेना से जुड़ल रामलखन बाबू सब छथिन जे बड काज केने छथिन, अब तो काफी वृद्ध भ गेलखिन हन, तो जे जानकारी कि 7 ताल के बारे में कहल जाए कि इसमें लेयर्स में ये पोखर है, और यही वजह है कि बहुत गर्मी में भी जब आप यहाँ आएंगे तो इसका जलस्तर खत्म नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि
और उस कभी भी जो राजाओं के आसपास महल होते थे तमाम चीज़ें, तो वहाँ पानी जल संचय हेतु एक पोखर होता था, कुआं भी इस परिसर में रहा है जो कुआं अब भर के ढक गया है। तो ये ताल निश्चित तौर पर मुझे तो प्रतीत होता है कि ये भी माने उसी टाइम का ताल है जो आज तक कंटिन्यू कर रहा है जी, और इसी के शायद सीपेज अगल बगल खुदाई के दौरान निकलता रहा है। और मैं इसको इसलिए मनगढ़ंत नहीं कहूँगी क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं उन्होंने इसको उसमें मैंने डाला है कि पानी की जो समस्या होती है उस वजह से परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि और ताल इतना समीप है तो हो सकता है कि इसकी सीपेज का असर हो। पोखर के ठीक बगल में हमरा सबके एकटा ऐठन ढहल ढन बनायल ईंटा के ढेर जना बुझा रहा है, संभवतः अइमे एकर ईंटा जे छे से ई हम राजीव जी के कहबन एकरा जूम करत कनेक, और ई ईंटा जे छे से सामान्य एखुनका जे ईंटा छे जे ओहन ईंटा नहीं छे, थोपुआ ईंटा छे, और ईंटा के ई शेप ई आकार और आंगूर के निशान देखियो दोसर तरफ एकरा हम अहाँके देखायब, और एकरा कौन समय में एहि तरह ईंटा रहल हेतै, कारण एखुनका जे ईंटा के आकार छे वो आकार ओहि तरह से नहीं छे, या फिर एहन एहन तरहक एहिमे जेना ई पाइक के झाम भऽ गेल छै, एहिसँ पहिलका जे ईंटा छलै से किछु दोसर तरहक छलै आओर ई किछु दोसर तरहक छै, तऽ एहिमे जेना ई हमरा सबके लागैए जे ई पोखरि अगर छै तऽ संभवतः ई घाट रहल हेतै जे एहिठामसँ उतरैके कोनो सीढ़ी एहिमे जाइत हेतै, या फिर जहिना राजनगर या आनन्द किलामे छै जे किलाके बीचमे पोखरि राजा महाराजा सब बनाबै छलथि हँ, आओर ओकर सीढ़ी जे छै से अन्दरेसँ किलाके अन्दरसँ ओ अन्दर रहै छलै। तऽ भारतीसँ सेहो कहबनि जे कनेक एहिपर काल्हि खनि जेना हमरा कहैत रही जे एहिमे दू तीन तरहक जे छै से ईंट लागल छै कोनो, तऽ कोन कोन तरहक ईंट अहाँ कहने रही तकरा विषयमे कनेक अपने आगाँ आबी कनेक रहती जी जी। अतः ई परिसर के परिभ्रमण के दौरान जे हमरा अपना भेटायल अतः कि अतः दू तीन तरह के ईंट पेबे अहाँ, किछु जे छै सेंटीमीटर में तऽ नहि हमरा ध्यान यऽ कि तीन शेप में बनल छै, तो एक ही टाइम में जो बनता है उसमें एकाध इंच का हेर फेर हो सकता है, मगर तीन शेप कहता है कि दो तीन कालों में इसका निर्माण हुआ होगा। तै से कहली हम और अखन जहाँ पर ठार छी ई हमरा अपना असेसमेंट से बुझाइए कि निश्चित तौर पर इस तरफ कुछ महल वगैरह रहा होगा, चूँकि उस समय जो रनिवास की महारानियाँ या रानियाँ या राजकुमारियाँ जो स्नान वगैरह के लिए आती होंगी, तो ये सेप दिखाता है कि ये सीढ़ियाँ यहाँ रही होंगी और इससे उतर के ताल में वो जाते होंगे। और जो आपने देखा भी है कि यहाँ जो ईंटा है वो भिन्न प्रकार का है, और जो सुरक्षात्मक दीवार है इस परिसर के चारों तरफ वहाँ जी ईंटा का जो है वो भिन्न है, और जो खुदाई के दौरान ईंटे मिले हैं वो भिन्न हैं। तो तीन तरह का अभी तक जितनी खुदाई हुई है उसमें जो ईंटा प्राप्त हुआ है वो ये प्रमाणित करता है कि तीन काल में, तो निश्चित तौर पर तीन इतिहास तो निश्चित तौर पर जुड़ा है, बाकी शेष जितना निकले बहुत रास बात निकल के आबि सकै छै, अर्थात जे सभ्यता संस्कृति चाहे वो हड़प्पा होए मोहन जोदाड़ो होए इत्यादि इत्यादि के बात हमरा सब करै छी, मुदा ई एकर हालांकि एकरा संरक्षित करबाक लेल ई बिहार सरकार के द्वारा एहिठाम छहर देवाली तऽ देल गेलैए, लेकिन ई छहर देवाली मात्रसँ एहिठाम कोनो तरहक काज प्रतिपादित नहि भऽ सकैए। अगर सरकार निष्ठावान भऽ कऽ काज करै तऽ निश्चित रूपसँ जे छै से मिथिला नहि बिहार नहि भारत नहि अपितु वैश्विक स्तरपर एकटा संस्कृतिके एहिठामसँ जे छै से हमसब जन्मित देख सकै छियै, आओर ई हमर एकटा मिथिलावासीके नाते एकटा पत्रकारके नाते ई हमर अपन दावा अइ जे जँ एकरा सहीसँ उत्खनन कयल जाय तऽ नालन्दा राजगीर एकरा सामनेमे बहुत छोट पड़ि जेतै, लेकिन बलिराजगढ़के सङ्गे सबसँ बड़का दुर्भाग्य ई छै जे ई मधुबनीके कोनो बाबूबढ़ी प्रखण्डके भूपति पञ्चायतके बलिराजगढ़मे ई अवस्थित छै, आओर उत्तर बिहार अर्थात हमरा सब
गंगा के उत्तर के जे भाग के मिथिला कहै छिए ओहि भाग के रहबाक दंश झेल रहल छै, चाहे ओ राजनीतिक उपेक्षा होय या फिर कोनो तरहक षड्यंत्र, ई एकर देवार छै। और अमूमन एहि देवार के जे चौड़ाइ छै ओहि चौड़ाइ के अहाँ सब एहि हिसाब से बुझि सकै छिए जे कमला नदी पर जे तटबंध छै अर्थात शहर छै वर्तमान में एतेक मोटाई अखन ओकरो नहि छै। तऽ ई विशाल भूभाग जाहिठाम सँ मिथिला नहि अपितु देशक संस्कृति के एकटा पुनर्जन्म भऽ सकै छै, मिथिला वैश्विक स्तर पर अपना आप के एक बेर फेर सँ जे ओकर परम्परा रहलै अछि तकरा ओ सामने आनि सकै। और ई बीच मे अपने ई स्कूल देख रहल छी एकटा, और एहि जगह पर एकर मेन गेट छै, चारिटा गेट एहिमे, चारिटा द्वार, ताहिमे से एकटा द्वार एतौ अवस्थित छै। बीच मे जे एकटा जगह देखै छियै ओ ओहिमे चैती दुर्गा, खास कऽ एहिमे जे एखन अपने देख रहल छी एहिमे चैती दुर्गा मनायल जाइ छनि। ओकरासँ बगल मे एकटा टूटल फूटल जगह छै जाहिमे ओहो कोनो महल नुमा छलैया। तऽ ई जगह, विशाल जगह बलिराजगढ़, और कोन तरह सरकारी उपेक्षा, एक से एक लोग एहिठाम सँ भेला है जे ASI से लऽ कऽ प्रशासनिक सेवा से लऽ कऽ सिविल मे विभिन्न क्षेत्र मे ओ जाइत भेला है, जाइत रहला अछि, मुदा बलिराजगढ़ एखनो अपन अस्तित्वके लेल कायम रहल अछि। अगर एकर उत्खनन हेतै तऽ निश्चित रूपसँ एहिमे सँ बहुत रास चीज निकलतै। स्थानीय स्तर पर जे पत्रकार सब छथि, आइ बाहुबलीके बहुत रास पत्रकार सबसँ एहि विषय पर हमरा बात भेल, लगभग आधा दर्जन पत्रकार सब बहुत प्रशंसा केला एहि काजके जे अहाँके जे सांस्कृतिक यात्रा अइ, हमसब ओकर प्रशंसक छी, मुरीद छी अहाँके यात्राके, मुदा ओहोसब बेर बेर लिखित रहलखिन हँ, खास कऽ हिन्दुस्तानके एहिठुनका जे स्थानीय पत्रकार छथि ओ एहि विषयके उठबैत रहला है। और जरूरत छै जे एकर सामूहिक एक बेर बलिराजगढ़ पर चोट कयल जाय, और बलिराजगढ़ उम्मीद करै छी जे एहि वीडियोके बाद ई डिस्कोर्समे औतै, और डिस्कोर्समे अयलाके बाद बलिराजगढ़ सँ बहुत रास किछु निकलि कऽ सामने औतै। और अगर बलिराजगढ़ संवर्धित हेतै तऽ मिथिलाक इतिहास जे छै से वर्तमान होइत भविष्यमे अपन उपस्थिति बहुत प्रखरतासँ, बहुत प्रमुखतासँ जे छै से दर्ज करेतै। हमरा सब कोशिश कऽ रहल छी जे गाड़ीके माध्यमेसँ एकर जे पूरा परिसर छै तकर विजुअल मात्र देखाबी, कारण एहिमे एहिठामसँ बेसी तऽ आओर किछु भेटत नहि, बस वएह भेटत अंग भंग भेल ओ इमारत सब, एहिमे खंडहर भेल, अतिक्रमण भेल ई जगह, एहिमे बहुत रास चारागाह जाहिमे माल जाल देखै छियै सैकड़ोक संख्यामे, एहिठाम अहाँके महीस, बकरी, बरद आदि भेटत, देख सकै छियै एहिठाम। और एकबेर यज्ञ सेहो भेल छलै ई कोन पर, तकरो किछु समय भऽ गेलै, चैती दुर्गा पूजा एहिठाम होइ छै। हमर सहयोगी डॉक्टर धीरेन्द्र झा हमरा एखन लऽ कऽ भ्रमण करा रहल छथि, तऽ हम बस ई देखेबाक अपना अहाँसबके कोशिश कऽ रहल छी जे अहाँ के छी, अहाँके इतिहास की कहि रहल अइ, ओकरा देखनाइ, ओकरा बुझनाइ, ओकरा जननाइ बहुत आवश्यक छै। और अगर सामूहिक रूपे अगर ओहिपर चोट कयल जेतै तऽ निश्चित रूपसँ सरकारके मजबूर हुअ पड़तै, चाहे ओ केंद्र सरकार होय, राज्य सरकार होय, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होय, या जे केओ गोटे होथि, हुनका सबके मजबूर भऽ कऽ चीज सुनऽ पड़तनि। एकटा सम्भवतः एहिठाम गेट रहल हेतै, लेकिन हम धीरेन्द्र जीसँ कहबनि कि ओ आगाँ लऽ कऽ चलत गाड़ीके, विजुअल बहुत नीक एस्टैब्लिश नहि भऽ पबैत हैत कारण हमसब गाड़ीपर छी, आओर जे जगह जे छै से गाड़ी चलै लायक नहि छै, लेकिन तथापि जे छै से मुख्य
एकर उद्देश्य ई है जे एकर जे रकबा छे ए रकबा के देखी और चारू दिस तो प्राय वह चीज भेटत जे अहाँ के ढहल ढनमनहल जे शहर छे शहर दवाली छे से और शहर के इत्यादि जे छे से वो विशाल भूभाग और भूभाग में चारागाह बनल बंजर जमीन मुदा एकर अंदर जे छे से ओ सोना गड़ल छे एकर अंदर ओ सभ्यता नुकायल छे एकर अंदर मिथिला को घसल अठन्नी हराल छे छिड़ियाल छे जकरा जब सहेजल जाए तो ऐठन से बहुत रास मोहर हमरा सब भविष्य में ओकरा निकाल सकै छी। पुनः एक बेर ओतहि आबि रहल छी जे मैथिली मीडिया नहि हेबाक कारण है हालांकि 115 वर्षक ओकरो इतिहास आब भऽ गेलै है शपथ खाइल के लेल मुदा जे एहि सब पर काज भेल रहते तऽ निश्चित रूपसँ किछु चीज होइते जे प्रतिद्वंदिता जे छै से रखैत छथि हमर काजसँ ओ अगर हमरा बारेमे बहुत रास किछु नहि बाजि कऽ अगर एहिपर किछु लिख देने रहितथिन एहिपर अगर कोनो वीडियो बनितै तऽ निश्चित रूपसँ जे छै से ई चीज डिस्कोर्समे अबितै। तऽ कहबाक मतलब ई जे मिथिला मैथिलीमे एखन बहुत रास काज केनाइ बाँकी छै काज एखन शुरुए नहि भेलैए तऽ ताहि परिस्थितिमे एक दोसरके आलोचना एक दोसरके बुराइ एक दोसरके खिद्धांशमे जतेक काल हमरासभ अपन श्रम संसाधन समय इत्यादि व्यर्थ करै छी तकरा जे हमसभ कोनो अहाँके क्षेत्रके जे एहने कोनो बलिराजगढ़ हुए अहाँके क्षेत्रके अगर एहने कोनो सांस्कृतिक विरासत होइ तकरामे अगर हमरा सब लगा दिए तऽ हमरा लगैए जे एहिसँ मिथिलाक जे बात छै ओ लोकक सोझाँ होतै जकर परम आवश्यकता छै नहि कि एक दोसराके सिद्धांत एक दोसराके आलोचना कऽ कऽ हमरा सब ओहि प्रतिभाके मारि दिए ओहि चीजके मारि दिए जकरासँ कोनो होना जोना नहि जाइवला छै किछु नहि होइवला छै। तऽ तैँ हमरा सब कोशिश कऽ रहल छी जे आखिर अहाँ सबके देखाबी जे कोन तरह ई जगह छै आओर एहि जगहके की महत्व छै हालाँकि जे नहि बुझै छै तकरा लेल तऽ ई फील्ड छै बंजर जगह छै जकर कोनो उपयोगिता नहि छै मुदा जे बुझै छथि तिनका लेल ई एतेक अमूल्य धरोहर छै जकर वर्णन कोन तरह कऽ सकै छी। ई तऽ तहिए बात निकलिकऽ सामने औतै जकर अन्दरमे की छै जखन एकर उत्खनन हेतै जखन एकर जे वास्तविक स्वरूप रहल छै से लोकक सोझाँ औतै। सम्पूर्ण बलिराजगढ़ घुमलाके बाद जे छै से हमरा सबके एकटा पाँत याद अबैत अछि जे एकटा गीतके पाँत छै जे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ न मानो तो बहता पानी अर्थात जे एक चुटकी माटि कतौके ककरो लेल माटि रहै छै वएह एक चुटकी माटि जे छै से ओहि जगहके अभिभूत या फेर एहन अमूल्य सम्पत्ति भऽ जाइ छै। तऽ जे बलिराजगढ़के नहि जनैत छथि हुनका लेल तऽ एकटा विशाल भूभाग छनि जे अहिना चौर जेना पड़ल छै एहिमे किछु नहि भऽ पाबि रहल छै एहिमे सालमे एक बेर दुर्गा पूजा चैती दुर्गा पूजा होइ छै कहियो साल पाँच साल आठ साल दस साल या फेर कहियो एकटा कोनो यज्ञ भऽ गेलै या फेर ई चारागाह बनल छै मुदा एहि खण्डहरमे एहि जमीनके अन्दरमे भारतके इतिहास छुपल छै मिथिलाके इतिहास छुपल छै। एकरा अगर सहीसँ उत्खनन कयल जाए एकरा अगर सहीसँ खुदाइ कयल जाए तऽ नहि सिर्फ एकटा स्वर्णिम मिथिलाके निर्माण भऽ सकै छै अपितु हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आदि सभ्यताके बाद जे छै से भारतके 21वीं सदीमे एकटा नव सभ्यताके एहिठामसँ जन्म होइत जे छै से सम्पूर्ण विश्व देख सकै छै पूरा भारत देख सकै छै पूरा मिथिला देख सकै छै। सहयोगी युधवीर भारती राजीव कुमार चौधरी धीरेन्द्र कुमार झा और सरोज मिश्र के संग ललित नारायण झा मिथिला मिरर बलिराजगढ़ मधुबनी।